मैं वो क्या GoPro काम कर जाए बस। राइडिंग पैंट नहीं पहनी यार, बिकॉज इट इज़ वेरी हॉट, वेरी 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 हॉट। अभी 6:30 हो रहे हैं, उसके बाद ही मुझे भी गर्मी लग रही है, बट हाँ बाइक पे बैठ के इट विल बी परफेक्टली फाइन। देयर शी इज, इधर का वीडियो ना बनाते हुए सूरज देवता भी प्रकट हो रहे हैं वहाँ से बिल्डिंग के पीछे, अगर आप देख सकते हैं तो। जय माता दी, निकले जरा फटाफट। गुड मॉर्निंग एवरी वन, वंस अगेन। सो मेरा कोल्ड स्टार्ट कर लिया जाए। सो आई होप मेरी ऑडियो आ रही होगी, वरना मैंने तो पूरा पानी फिर जाएगा यार। चलो ज़रा निकले अभी। जय गणपति अप्पा, जय बजरंग बली, जय भोलेनाथ, जय माता दी। अब सबसे पहला काम इसे भराएंगे हम पेट्रोल, वरना थोड़ी देर में रिजर्व में चली जाएगी ये। और अभी मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने हुए हैं, कोई थोड़ा सा एक फील लेना ज़रूरी होता है गाइक बाइक का। फिर जैसे ही थोड़ा सा होगा, ओहो क्या ठंडी हवा लग रही है यार, क्या बात है क्या बात है, ये है ना थोड़ा सा। बट जैसे ही गाड़ी रुकती है भाई साहब, हालत ख़राब हो जाती है। तो ये सुबह सुबह की ठंड है ना, इतनी अच्छी लग रही है बॉडी में। अंदर मैंने ड्राई फिट टी शर्ट पहनी हुई है और ऊपर ये जैकेट, और जैकेट में काफ़ी सारी जगह ऐसी हैं जहाँ से वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है। बट आई मौजा आ गया, मौजा मौजा ही मौजा भाई। ये चीज़ है ना, ये बड़ी सुंदर लगती है। मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का जो डिसीजन है ऐसे ग्राफिटी बनाने का, दिस इज़ सो अमेजिंग, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये कह रहा कितने का लोगे, उसके बाद ही भरेंगे। सो भैया लैला की टंकी कर दी है फुल, ऑलमोस्ट फुल। मुझे लगा था 500 फुल हो जाएगा, लेकिन शायद काफ़ी कम था। तो अभी मैं आगरा एक्सप्रेसवे की तरफ ही जाऊंगा, नोएडा एक्सप्रेसवे में घुसते हुए। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बना रखा है इन्होंने। क्या बात है यार, और यही तो इच्छा थी, इच्छा। मतलब काफ़ी काफ़ी ज़्यादा टाइम से मिस कर रहा था इस चीज़ को। वाह, आते वक्त मुझे पता है वाट लग जाएगी मेरी, लेकिन ये जेन्युइनली बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सूरज देवता वहाँ से निकलते हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं भाई इस वक्त। ये देखिए क्या जावट, अभी इनका प्रकोप आ नहीं रहा है पूरा मेरे ऊपर, जब आएगा तब तब बताएंगे क्या जावट था। अब ना हाईवे मसाला वहाँ तो जाएंगे, एक कॉफ़ी वॉफी मारेंगे, देन विल बी बैक। वेलकम टू ग्रेटर नोएडा। आगरा के लिए लेफ्ट मुड़े, तो ठीक है भैया मुड़ जाते हैं आप बोल रहे हैं तो। नाउ यमुना एक्सप्रेस वे, नीड टू टेक द लेफ्ट। ये टर्न बड़ा सेक्सी है यार, लुक एट दिस। रोड इतनी होनी चाहिए यार, इतनी जेन्युइनली होनी चाहिए। टिंचक टक डिंग टक, टिंटक टक डिंग टक। वाओ, अब मेरा काफ़ी कम हो गया बाइक राइड को लेके यार, क्या बताऊँ। मतलब शादी के बाद बीवी थोड़ा सा डंडा कर रही है कि बाइक राइड सेफ़ नहीं है, तो
अगर जाना भी है, मैं राइड इसलिए मना नहीं करती, बट कहती है कि राइड में मजा इंस्टेड की गो फॉर अ ड्राइव, जो भी तुम्हारा लॉन्ग प्लान, लॉन्ग ड्राइव का प्लान हो वो भी कर लो। इन द मीनवाइल आप सबका स्वागत है यमुना एक्सप्रेस वे पे। भैंस की आप, एक ट्रैक्टर दूसरे ट्रैक्टर को खींच रहा है बे। मेरा एक ना एक्सपीरियंस बड़ा ख़राब है यहाँ पे इस पर्टिकुलर हाईवे पे, मतलब ये जनरली हर जगह होता होगा। रात के टाइम आप देखोगे ना, तो इस साइड ही वाला जो लेन है ये वाला, इसमें ना पत्थर पड़ रहते हैं, ईंट तोड़ के रखते हैं या कुछ फेंक देंगे, लकड़ी फेंक देंगे, बड़ा रिस्की होता है। नॉट श्योर कि वो मतलब जानबूझ के किया होता है या फिर समझ रहे हो ना आप। फाइनली ये डेस्टिनेशन है जहाँ पे मुझे आना था, तो यहाँ पे यू विल गेट एवरीथिंग दिस वाइल गोइंग टूवर्ड्स आगरा। मेरा सेशन यही होगा कि टेक ए हॉल्ट, फ्रेशन अप एंड देन मूव ऑन। सो फाइनली हम पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पे, उसे करते हैं बंद। शांति है लेकिन यहाँ पे, सो बट लुक एट द बाइक्स, जरा खा लिया जाए कुछ यार। आज बिल्कुल ही मतलब गर्मी ऐसी चल रही है ना, कोई ये टाइम ऐसा था कि बेसिकली यहाँ पे पूरे बाइकर शॉक, गाड़ी इवन बाइक पार्क करने की जगह नहीं होती थी, इतना यहाँ पे था, मतलब रश होता है बाइकर्स का। बट मे बी बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट बहुत ज़्यादा ही चल रही है, तो दैट कुड बी द रीज़न कि बहुत कम है बाइकर्स। बट कुछ है अपाचे वो पूछे हैं तो दिखाया भूसा है, दिखा दो आपको। दिस इज दी हाया भूसा, बाकी सारी रॉयल एनफील्ड भी हैं, कोई ग्रुप आया होगा आई एम श्योर, सारी यहाँ से यहाँ तक रॉयल एनफील्ड्स। एंड दिस वन इज हार्ले, दिस वन इज अपाचे 310 आई गेस। जेन्युइनली अब थक गया। तो अब ज़रा खान भी टूट पड़े, भैया वॉज सो काइंड एनफ कि वो कॉफ़ी लेने गए हैं, क्योंकि यूजली कॉफ़ी और चाय यहाँ पे सेल्फ सर्व पे है। थैंक यू जी, थैंक यू भैया। कॉफ़ी इज हियर एज़ वेल। थी हाईवे मसाला, अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया क्योंकि भैया सूरज देवता कहर बरसाने वाले हैं थोड़ी देर में, मेरे ऊपर तो बरसा ही रहे हैं। सो मेरे ऊपर कहर तो बरसा ही रहे हैं, अब ज़रा जब बाइक पे बैठूँगा तभी थोड़ी तसल्ली मिलेगी, हवा चलेगी, तो दो चार फोटो वोटो खींच के निकलते हैं यहाँ से। फाइनली यहाँ का प्रोग्राम ओवर और अब चलते हैं घर की तरफ। हल्का सा सोच रहा हूँ टॉपअप करा लूँ इससे पहले कि दिक्कत हो। सो नाउ गेम ऑन, अब हम चलेंगे घर की तरफ। ओह भैंस ये बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है बे, द स्वेटिंग हो रखी है अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है। और मैंने हाँ फाइनली ग्लव्स पहन लिए हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, टैनिंग हो जाएगी गंदे वाली, वैसे हाथ मेरे काले हो जाते हैं टैनिंग से बहुत जल्दी, और लास्ट वाली उतरी भी नहीं अब तक। अभी आगे जेवर का टोल आ जाएगा, दैट आई नीड टू पे, एंड उसके बाद उस तरफ मिलेंगे आप रोड पे। ये रास्ता बंद कर दिया है, पहले ओपन था तो बाइकर्स यूजली यहीं से निकल जाते थे, लेकिन नाउ दे हैव इंश्योर्ड कि ये भैया टोल पे करो उसके बाद जाओगे, और यहाँ से निकलोगे तो भाई ठुल्ले नहीं बोलने चाहिए, पुलिस वाले खड़े हैं, समझ गए। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है,
तब से कुछ नहीं हो रहा, जैसे ही हेलमेट पहने ना इधर से खुजली सर में, उधर से खुजली भैंस की टांग, बहुत दिक्कत है भाई लाइफ में। रोड देखो यार, मतलब इससे अच्छा क्या चाहिए किसी राइडर को, ऐसी खाली रोड हो, चलते रहो बस, चलते रहो चलते रहो, जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाल दिल गाके सुनाएंगे, हम तो सात रंग है। हेलो भट्टे, इन्हें भट्टे बोलते हैं हमारे यहाँ पे, भट्टे बोले तो ईंट बनाने की फैक्ट्री। ये देखिए यहाँ पे जितने भी सारे ना ईंट बनाने के लिए है। तो कुछ फोटोज क्लिक करने के लिए रुक गया था, सोचो इतनी तेज धूप हो रही है ना उसके बाद भी, तो मतलब भाई की मेहनत तो देखो ज़रा एक बार। और फोटोज़ देखने के लिए प्लीज़ डू विजिट इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम पे सेम आईडी है, राइडर स्पिरिट आशीष, तो डू गो देयर एंड फॉलो मी एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं घर की तरफ, जय माता दी। बाइक से रुकते ही लबालब अंदर तक गीले भैया, बाइक चलते ही भाई सारा गम दूर हो जाता है। अब रिकॉर्डिंग थोड़ा बंद करता हूँ क्योंकि तो फ़ायदा नहीं आपको सेम रूट दिखा के। मतलब जनरली बड़ा मज़ा आया आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम लैला और मैं। नाइस। ओ भैया क्या हालत हो गई है। मैं तो भाई आके पड़ गया और सो गया ना, आके इतनी अच्छी नींद आई, बट फिर ऑफिस की एक दो कॉल थी वो निपटाई है। और पता नहीं अभी तो यही चल रहा था थोड़ी देर पहले, पता नहीं बंद हो गया है, नीड टू सी। ये पूरा स्लॉट पिघल गया है, सो एक बार किसी को मेंटेनेंस से बुलाता हूँ फिर देखता हूँ सर क्या होता है। सो एसी फाइनली काम करने लग गया है और इस ब्लॉग को अब करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा जो मॉर्निंग राइड थी, एंड फाइनली ऑडियो काफ़ी जगह कैप्चर हुई, काफ़ी जगह गड़बड़ी होगी तो मैंने हटा दिया था उसको। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो फॉर व्हाट्स एवर रीजन, डू लाइक इट एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड डू शेयर द चैनल लिंक विद अदर्स टू सपोर्ट मी। मिलते हैं फिर ऐसे किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए। Thank you.